गुड मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो कल हमने देखा फेड का डिसीजन आना था और जैसे हमने कहा भी था कि देखिए 0.5 का उम्मीद है मार्केट में। अगर उससे कम कहीं पे भी इंटरेस्ट रेट का अपडेट आता है तो डेट विल बी एक्चुअली पॉजिटिव फॉर ग्लोबल मार्केट। उसी को देखते हुए आज ग्लोबल इक्विटी मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी दिखाई दे रही है। नो डाउट ज़्यादा फिज आउट होता वही दिखाई दे रहा है बिकॉज रशिया यूक्रेन की जो प्रीमियम से वॉर के वो ख़त्म हो गए हैं और उम्मीद है आज नहीं तो कल तक तो ये वॉर ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद इम्पॉर्टेंट होता है कि डैमेजेस किस हद तक हुआ और ग्लोबल इकोनॉमी किस हद तक चेंज हुई है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अगला 15 दिन। विक्स इंडेक्स में गिरावट थी बट अभी 27.85 के करीब ट्रेड कर रहा है। क्रूड ब्रांड क्रूड में कल जबरदस्त गिरावट थी क्योंकि US प्रेसिडेंट ने कहा भी था कि अब एनर्जी के प्राइजेस को नीचे आना होगा, बट अभी भी इट्स टू अर्ली टू से बिकॉज सप्लाई ग्लोबल मार्केट में बढ़ नहीं रही है। वी आर वेटिंग फॉर IEA अपडेट के क्या प्रोडक्शंस के एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि सऊदी का जो ध्यान है वो अब रशिया की तरफ चाइना की तरफ मुड़ता हुआ दिख रहा है, तो हैव टू सी के कैसा मूव रहेगा। बट अगले 2 सेशन में मे बी पॉसिबल है कि हम डिमांड में जंप देखते हैं जिसकी वजह से क्रूड में सपोर्ट रहेगा। नेचुरल गैस इनफैक्ट $5 के इर्द गिर्द ही घूम रही है, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। कॉटन एक ध्यान रखिए, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट मूव दिखा रहा है 120 के ऊपर और कभी भी 122 के ऊपर निकलता तो 128 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं सोने में वापस हमने एक शानदार रिकवरी देखी है 1890 के सपोर्ट से, जो दर्शाता है कि पोस्ट वॉर सिचुएशन कैसे खराब हो सकती है, जिसका कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर पर सपोर्ट मिलेगा। तो आज गोल्ड और सिल्वर पोजिशनली भी देकर चला जा सकता है। जो 1956 तो इमीडिएट टारगेट गोल्ड में और $26 का टारगेट चांदी में देखेगा, बट ओवरऑल है पॉजिटिव। कॉपर में भी कल अच्छा खासा रिबाउंड हुआ है। आज जिंक पे ध्यान रखिए, जिंक का चार्ट काफ़ी स्ट्रांग दिखा रहा है, यहाँ पे हम एक बड़ा जंप देख सकते हैं। प्लेटिनम ने फिर से एक अच्छी खासी तेजी 4% की दिखाई है। सोयाबीन, सोया मील, सोया तेल, कॉर्न, वीट में थोड़ा पुल बैक है बट बाकी सभी आइटम में तेजी बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स भी अपने हायर लेवल से थोड़ा गिरावट है जिसके चलते यूरो जीबीपी में हम तेजी देख पाएंगे। डेटा पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलरेडी एफओएमसी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमने मोमेंटम देखा है। आज 3 बजे ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी। यूके से भी हम मॉनेटरी पॉलिसी की समरी आते हुए देखेंगे, जबकि US से मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ा सा इंप्रूव हो रहा है। बिल्डिंग परमिट्स में हम गिरावट देख रहे हैं। हाउसिंग स्टैट्स का डेटा थोड़ा सही आ रहा है बट इन ऑल मार्केट एज ऑफ नाउ वॉर सेंटीमेंट पे ही मार्केट मूव करता हुआ दिखेगा। LME पे इस वक्त देखें तो निकल फिर से ट्रेड होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, लेड सभी में 0.5% की तेजी है, जिसका मतलब है डोमेस्टिक मार्केट पे एक अच्छा खासा तेजी का रुख बनता हुआ दिखेगा। आज के लिए 2-3 दिन से हम देख रहे हैं सोने चांदी में कंटिन्यू गिरावट है, बट आई शुड से कि यहाँ पे शॉर्ट करना काफी रिस्की हो जाएगा क्योंकि लॉन्ग टर्म काफी स्ट्रांग है। इट्स गुड टू बाय, तो आई थिंक 51,000 का लेवल काफी बढ़िया है। 51,500 का लेवल तोड़ने पे 52,000 तक का लेवल आज ही हम गोल्ड में देख पाएंगे। चांदी भी 67,600 के ऊपर बाई कीजिए 68,500 के टारगेट के लिए। क्रूड 7,100 का लेवल तोड़ता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, उसके करीब मिले लेके चलिए 7,550 के टारगेट के लिए। नेचुरल गैस वेट एंड वॉच रखिए, मार्केट 350 से 370 के बीच में मूव करेगा। कॉपर पिक ऑफ डे में लेके चलिए 802 के ऊपर 806 का टारगेट रहेगा। जिंक भी लेके चलिए जो 320 से 322 तक का लेवल दिखा सकता है। एल्यूमिनियम लेड भी बाय ऑन ड्रॉप, खास करके लेड पे ध्यान रखिए क्योंकि 182 का साउंड सपोर्ट बना हुआ है। पीक ऑफ डे के चार्ट में अगर देखें तो गोल्ड का एक नया स्विंग स्टार्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 1920 से 1956 से 1975 तक का लेवल दिखा सकता है। कॉटन के अंदर भी MCX के अंदर एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है जो 38,500 का लेवल तोड़ने पे 40,000 तक का भी लेवल दिखा सकता है। जब तक प्राइजेस 37,500 के ऊपर मेंटेन है, ट्रेंड बुलिश है। ध्यान रखिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के ही चलना है। BMD CPO में जिस तरह से उम्मीद की थी वैसे ही प्राइजेस में गिरावट है। चाइना में कहीं ना कहीं जो कोरोना का कंसर्न है वो इम्पैक्ट करेगा डिमांड को। जिंक के अंदर ब्रेकआउट है जिसके चलते आज बाइंग करके चला जा सकता है। एग्री में आज भी गवार सीड, गवार गम और कैस्टर में लेके चलिए, जबकि मसालों में थोड़ा भी बाउंस दिखता है तो बिकवाली बढ़ जाएगी, बट आज एक बाउंस मसालों में भी देखने मिल जाएगा। कॉटन सीड ऑयल के 3100 के ऊपर बाइंग बनता है 3140 के छोटे टारगेट के लिए, बट इन ऑल हम बोल सकते हैं कि धीरे धीरे कंसोलिडेशन होता हुआ दिखेगा मार्केट के अंदर, तो कॉटन सीड ऑयल केक को हम लेके ही करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी कम है। ओवरऑल आज एग्री के अंदर गवार फिर भी तेज है, कैस्टर तेज है, मसालों से बचना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब।